हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितना टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि ये नाश्ता क्या है और हमने किस चीज़ के से बनाया है। तो इस नाश्ते को हमने जिस भी तरीके से बनाया है, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी इस तरीके से, हमारे बताए हुए तरीके से, इस नाश्ते को बना करके ट्राई जरूर करिएगा, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, और हो सके तो हमारे चैनल का सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इस नाश्ते को। हम इस नाश्ते को बनाने के लिए देखिए हमने ये आलू ले ली है। आलू को हमने उबाल लिया है और उबाल करके छील भी लिया है। अब इस आलू को हम मैश कर लेंगे। जैसा कि नवरात्रों का टाइम है तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही जल्दी बन करके रेडी भी हो जाता है। तो जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप भी इस तरीके से बना करके ट्राई ज़रूर करिए। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये नाश्ता। 9 दिन के व्रत में अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो ये सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको आलू को देखिए हमने मैश कर लिया खूब बढ़िया से। इसको बराबर मैश करना है, इसमें कहीं मतलब कि कोई गुठलियाँ ना रहें आलू की। इसको इस तरीके से मैश कर लेना है बराबर एकदम से। और मैश करने के बाद अब इस आलू को हम रख लेंगे इस बाउल में। बाउल में रख के मिलाने में अच्छा रहेगा, प्लेट में अच्छे से मिलता नहीं है। तो इसलिए देखिए हमने आलू को रख लिया है बाउल में। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सिंघाड़े का आटा। तो देखिए हमने ये सिंघाड़े का आटा ले लिया है और अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे सिंघाड़े के आटे को। देखिए इसी तरीके से आटे को ऐड करने के बाद हम इसमें और क्या ऐड करना है हम आपको बता देते हैं। तो देखिए हमने ये जीरा ले लिया है और जीरा ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और कटा हुआ धनिया। देखिए इसको भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम हरा मिर्च डाले हैं इसलिए यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये नाश्ता हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम सेंधा नमक यूज करेंगे। तो व्रत वाला नमक ही डालिएगा। और अगर आपके यहाँ नमक नहीं खाते हैं, अगर आप लोग नवरात्रि के व्रत में कोई खाता है और कोई नहीं खाता है, तो अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम ये सेंधा नमक ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब इस सारी सामग्री को खूब अच्छे तरीके से हम इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अच्छा सा डो बना करके रेडी कर लिया है। और अब इसको हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करें। तो देखिए इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ये चकला ले लिया है और चकले पे हम लगा लेंगे ऑयल, जिससे कि हमारा नाश्ता इसमें चिपके ना और अच्छे से ये बनाते बने। तो अब इस जो हमने ये सिंघाड़े के आटे का डो बनाया हुआ है, हाथों में ऑयल लगा के करिएगा। अब इसके बाद इसको हम इस पर सेट कर देंगे चकले पे। और इसको बहुत ज़्यादा हमें मतलब कि बड़ा नहीं रखना करना, पतला नहीं करना है, इसे दबाते हुए ही हाथों से सेट कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से ही कोई भी सेव का नाश्ता बना सकते हैं, मगर हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। आपको जो भी तरीका सही लगे उस हिसाब से ये बनाइएगा। तो देखिए हम इसको इसी तरीके से फैला लेंगे बराबर। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा ही रखना है इस नाश्ते को बनाने के लिए, इस स्वेटर को। तो देखिए हमने खूब अच्छे तरीके से सेट कर लिया है ना इसको, इस स्वेटर को हमने खूब अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब इसको हम काटेंगे। तो कट करने के लिए आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। आप चाहें तो पिज्ज़ा कटर से कट कर सकते हैं या नाइफ से भी, चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ लिया है बट हम कट कर रहे हैं चाकू से। तो आप इसको अपने हिसाब से कट करिएगा, कितना चौड़ा और कितना पतला आपको इसको रखना है उस हिसाब से आप इसको काट लीजिएगा। देखिए हम इतना चौड़ा काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं कट कर रहे हैं इसको हम। और इसी तरीके से हम इसको कट लगा लेंगे, धीरे धीरे काटिएगा एकदम। इसी तरीके से हमें इसको कट करना है। देखिए तो देखिए हमने इस तरीके से इसको काट लिया है और अब इस साइड से हम इसको काटेंगे। तो देखिए इस साइड से भी हम इतने बड़े काट रहे हैं। आपको जितने भी मतलब कि लंबा कैसा रखना है आपको, आप अपने हिसाब से उसको कट कर सकते हैं। देखिए हमने कट लगा लिया है। चलिए इनको हम फ्राई करेंगे। तो इनको देखिए कि पीस ऐसे उठा करके
और अब इनको फ्राई करने के लिए हम निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम एक एक पीस काट लिए हैं और अब हम चलते हैं फ्राई करने। तो देखिए इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर दिया है और अब इसको हम गर्म होने देते हैं ऑयल के, हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम ये नाश्ते ऐड करेंगे एक एक करके। तो देखिए हमारा तेल अब हो चुका है गर्म, अब इसमें हम इस नाश्ते को ऐड करेंगे एक एक करके, नाश्ते को ऐड करेंगे जितना एक बार कढ़ाई में आ जाए उतना ही हमें इसमें ऐड करना है इसको। तो देखिए इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को ऐड कर लेते हैं, इसी तरीके से हमें एक एक करके देखिए ऐड करना है, जितना भी आ जाए एक बार में उतना ही ऐड करना है, ज़्यादा मत ऐड करिएगा जिससे कि छानने अलटने पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से ही ऐड करिएगा। देखिए आपने सिंघाड़े के आटे के नाश्ते बहुत बार कई तरीके से बना करके खाए होंगे, एक बार हमारे तरीके से भी बनाकर ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने ऐड कर दिया है नाश्ते को जितना एक बार में आ गया है और अब इसके बाद इसको हम पकने देंगे, तुरंत इसमें कलछी नहीं लगाना है, तुरंत इसको नहीं पलटना है, थोड़ी देर ये पक जाए उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो थोड़ी देर इसको हम पकने देते हैं और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करके ही पकाइएगा। और अब चलिए इस नाश्ते को हम पलटते हैं, देखिए अब ये पकने लगे हैं एक साइड से अच्छे से, तो इसको हम पलट पलट देंगे इसी तरीके से, पलट पलट करके हम दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे इसको। देखिए कितने अच्छे पक गए हैं ये, इसको हम पलट करके इस साइड से भी पकने देंगे थोड़ी देर। तो देखिए एक बार का हमने निकाल लिया और दूसरी बार फिर से ऐड कर दिया है और इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे चटनी। तो ये हमने टमाटर काट के ले लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा और इसमें हम सेंधा नमक ऐड करेंगे और टमाटर की चटनी बना लेते हैं। हम जब तक ये पक रहा है तो तक हम टमाटर की चटनी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बन करके रेडी हो गया है हमारा ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता, ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में। आप भी इस तरीके से इस नाश्ते को बना करके ट्राई जरूर करिएगा। तो देखिए हम इसी तरीके से इसको सर्व कर लेते हैं और इसके बाद इसके साथ जो हमने चटनी बनाई है उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सर्व कर लिया है ये टमाटर की चटनी के साथ ये नाश्ता सिंघाड़े के आटे का, बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आप इसको देखिए ऊपर से मैंने तोड़ के भी दिखाया है कितना अच्छा ये बनता है और खूब अच्छे से पक भी जाता है अंदर तक और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में। तो अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं या अगर आपका व्रत है तो आप इस नाश्ते को बना करके ट्राई ज़रूर करिए और आपको हमारा बताया हुआ तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए आगे एक और नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।